मोस्टली लोग ये समझते हैं कि अगर वो खुद सेटिस्फाई हो चुके हैं तो उनकी पत्नी भी सेटिस्फाई हो चुकी होगी, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। मोस्टली जिन पुरुषों के पास समय कम रहता है तो उनमें बहुत सारे कारण होते हैं कम समय के, लेकिन अगर कम समय है तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो ट्रीटमेंट होंगे वो तो अलग इशू है, उन पर हम बहुत सारी बात पहले भी कर चुके हैं। अभी स्थिति में हम ये बात करेंगे, अगर ये सिचुएशन है कि आपके पास कम समय है तो उसका क्या सलूशन है, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसमें दो चीजों का आपको ध्यान देना है। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है बॉडी प्ले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपने पत्नी के साथ में, ये बहुत जरूरी है एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, और इसमें थोड़ा समय देना चाहिए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खूब समय दें, 5-10 मिनट से ज्यादा का समय दें, और उसके बाद अपने संबंध बनाना शुरू करें। संबंध बनाने के बाद आप अपने संबंधों को रोकें और पत्नी पर ज़्यादा फोकस करें और उनसे पूछें कि अब क्या मैं फिंगर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और फिंगर का इस्तेमाल करके अपने साथी को पूरा प्लेजर देने की कोशिश करें। वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। उसमें दो फिंगर का आपको इस्तेमाल करेंगे जो कि हाइजीनिक होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अगर चाहें तो आप उस पर प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको पत्नी के प्राइवेट पार्ट में सिर्फ 2 इंच अंदर आप उसमें एक वाइब्रेशन देंगे ऊपर की साइड, और वहां पर तब तक वाइब्रेशन और फ्रिक्शन देंगे जब तक कि पार्टनर डिस्चार्ज नहीं हो जाता। यही प्रॉपर तरीका है, और जब पार्टनर डिस्चार्ज हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, आपका पार्टनर खुद आपको बता देगा, और उसके बाद फिर आपको अपना जो शारीरिक संबंध है वो बनाना है और फिर कंप्लीट करना है। इस तरीके से जहाँ पर संबंध बिल्डअप होते हैं, बनते हैं, उन पार्टनर्स में एक अच्छा संबंध बनता है, एक अच्छा विश्वास कायम होता है, साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति प्रेम भी बढ़ता है। इसके साथ साथ जो पत्नी की नज़र में ये भावना रहती है कि इनको मुझसे मतलब नहीं है, ये तो अपना काम किया है, ये निकल लेते हैं, चले जाते हैं, ये भावना भी नहीं आती। उनको ये लगता है कि ये केयरिंग है और ये मेरी भावनाओं को समझते हैं और मेरी भी केयर करते हैं, तो ये जरूरी है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो उस चीज़ को समझते नहीं हैं और नॉर्मल सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाले कॉन्टैक्ट करते हैं। ये एक काउंसलिंग का भी पार्ट रहता है जहाँ पर जो मैरिड कपल्स होते हैं उनमें ये समझाया जाता है कि वो कैसे एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर पति के लिए, हर पुरुष के लिए, कि वो अपने पार्टनर का ख्याल रखे और एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करे जिससे कि एक हेल्दी लाइफ हो और हैप्पी लाइफ हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।